मेरे कचरा की बेल पड़ दी ना, बिल्कुल पड़ दी, कचरा भी लग रहे भाया बल्लो करी, बल्लो काम करो। वैसे अब की बार फूल उतना बढ़िया आला कोने यार, बढ़िया आला कोने आया ना का पहली सबसे मेन चीज तो इसलिए को नहीं आया कि लगाया मारा पत्नी श्री आ अन्ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा लगा दिया, दो दो तीन तीन चौब दिए, एक बोझ होता ना तो पूरे ढंग से उन्हें वो मिलती। अच्छा दो दो तीन तीन चौब दिए, एक एक जगह चौब दिया, एक जगह दो है तीन को ना कोई भी शनी बेरो कौन सा लोग टाइम पे तरह तो उपाड़ के भी दिखाते हो जब तो आप हैं बोले ना दो दो कोई भी एक बहुत जमा हाथ दे लो कोई सा भी दे लो निराय करेंगे। चलो ठीक से जो ऑडियंस के सामने बेइज्जती करो हो या तुलसी देखो दोबारा से हरी होगी ना, सूख जाती है ये, एकदम सूख गई थी तुलसी। कौन सी या ये कल सूख गई, ये सूखी थी और हाथ धोगी थर आ गए, गमला सारा खाली था, ये जो भी सूख रही दोबारा हो रही हरी हुई है और टंकी की सारी की घास पाड़ दी थी मैं, दोबारा हो गई होगी वो जोर की हमने के पास पाड़ दें गर्मी लगन लागी मन तो। और ये देखो खेल खिलौना पूरा कोण बो सुत्यो हर क्या कैंची देखो थारी पाछे ढूंढ लियो थम यथाने मिल जाएगी जरूरी पकड़ कठे दे दो चाहे वो जो लिया है अबे आपका जाम। हां मेरा एक लिखा ही जाम ही, ये देखो राउंड से नहीं पड़ रहे हो मैं। अरे वाह भाई शिवांश, ए शिवांश और काव्या दोनों खेल रहे थे, अब दोनों मिलकर के सामान रख रहे, नहीं तो शिवांश की मम्मी है ना इनकी पिटाई करेगी, वो एक गिर गया मैं वापस जाऊंगा। हां रख दो आराम से, नहीं तो काव्या तेरी ताई जी है ना पिटेगी, देख लिए तन्नर शिवांश ने दोनों ने, अब खेल हो गए पूरे, नैनी कर रही पढ़ाई, अब दोनों देख लो थोड़ी देर टीवी और टीवी देख करके फिर चले जाना घर पे, ठीक है। मैं तो काव्या को कह रहा हूँ कि काव्या एक काम कर, तेरे कपड़े लिया पूरे, तेरे किताब वगैरह लिया सब, और माँ जी को कह के आ जा खेले, माँ मैं तो ताऊ जी की सीर हो गई नहीं आऊंगी बस, अब तीनों खेलते रहना आराम से सुकून से यहाँ पे। मोगली हाँ मोगली चला ले मोगली। चलो जी सबको सुबह सुबह का नहीं दोपहर का गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री राम और राधे राधे। हाँ नैनी कह रही है कि वो आंटी काम कर रही है तो गरिमा को खिलाएगी नारियल में। खाना तो भाई सबसे मेन चीज वो गरिमा को लाने के लिए गए हैं और मैंने तो वही टी शर्ट कल वाले टी शर्ट ही पहन लिया है, ठीक है। और सेकंड नंबर लड्डू की तरफ से सबको राधे राधे। कई सारे कमेंट आए थे कि शर्मा जी लड्डू को भी राम राम, मतलब ऐसे कुछ आए थे, एक कमेंट ऐसे भी था कि आपके लड्डू कान्हा जी हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें, तो जी बिल्कुल हमारे नहीं वो अपने सब के हैं कान्हा जी, और अपने दया दृष्टि जरूर बनाए रखेंगे। और उसके बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत कमेंट आए कल तक कल वाले वीडियो पे। और सब कैसे हो, क्योंकि मेरे को मैं भूल जाता हूँ जब आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ तो कई सारे कमेंट आ जाते हैं, और शर्मा जी आप सब कैसे हो, तो जी हम सब एकदम बढ़िया हैं, आप सब कैसे हो ये भी बताना कमेंट करके। और एक कमेंट और था, दो बार आ गया उनका कि शर्मा जी रसोई के अंदर मंदिर नहीं करते, हमने सुना है। तो जी सुना आपने सही यार, मैंने भी सुना है लेकिन पता भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि पहले हमारा बेडरूम में था, बेडरूम से बेस्ट हमारे लिए किचन में है, सबके लिए हमारे लिए नहीं, क्योंकि अपने पास अभी भाई इतनी व्यवस्था है कि अलग से मंदिर नहीं बना है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, जब अलग से मंदिर हो जाएगा तब तो अलग होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और रसोई के अंदर इतना कोई दोष नहीं है कि मंदिर नहीं रख सकते, अपना सेपरेट जगह है, और जो ईशान कोण है वहां पे मतलब जहां मंदिर की वो होती है पूर्व और उत्तर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे भगवान की पूजा होती है, तो उस हिसाब से घर को देखते हुए भी यहीं पे जगह सही है, इसलिए यहाँ पे है। फिर भी अगर आपको गलत लगा हो
तो भाई माफी चाहता हूँ, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। मन के अंदर खुशी तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भगवान, मेरे भगवान यहाँ पर रह करके खुश है मेरे लिए, अपने को भी और भगवान को भी। बस सबसे मेन चीज ये है। तो ये चीज घर बन रहा है, वैसे गांव में तो लगाते हैं वैसे साथ साथ, लेकिन हमारे एक एक रोटी का लगाते हैं गांव में। मैं हमारी हाँ की रोटियों को एक साथ लगा के बना लूंगी। नहीं यार, हमारे जानूड़ी जो है ना ये ऐसे ही लगाती है, क्योंकि कल जब लड़ाई चल रेनुड़ी रेनू जी कहा तो गुस्सा आया, रेनुड़ी कहा तो बोली नहीं जमाई पीट दी। फिर कमेंट आया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि शर्मा जी आप एक काम करो, एक काम किया करो, जानूड़ी बोल दिया करो। सही है ये तो? सही है, मैं क्या वाला भी मनाना ना ना बता दो सही है कि मैंने घर वालों के लिए मना नहीं किया। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रेनू आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका वो लोग देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और फिर भी आप वो लोग नहीं बनाते हो, तो ज्यादा चढ़ो मत, ठीक है ना, अपना आपने ज्यादा वो मत समझो, नहीं तो कोई कोई मन मेरे को गुस्से में बोलेगा और फिर वो पकड़ के टेढ़ी की ऐसी नाड़। कुछ और कुछ है ना, मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी एक स्टडी भी चल रही है साथ साथ, इनको तो पता है तो पढ़ना भी जरूरी है। बहुत अच्छे अचीवमेंट के साथ आप सबके सामने आएंगे बहुत जल्द, ठीक है? तो यही चीज थी। आप सभी तो कहते थे अकेले यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, कुछ और करो, तो हमने कुछ और किया है साथ साथ, अब आप देखना जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। मेरे हाथ में दर्द हो जाता है भाई, मेरा हाथ वैसे ही तंग है बेचारा, यहाँ से अभी दर्द नहीं गया है। तो बाजे की रोटी जिसको खानी है आ जाओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है? बाजरे की रोटी और क्या है, पापड़ की सब्जी और गुड़ और छाछ। गुड़ तो इस टाइम तो नहीं खाएंगे, कल शाम को रात में खाई थी। गुड़ और बाजरे की रोटी पे बड़ा मजा आता है। पहले हम खाते थे बाजरे की रोटी पे गुड़ की डड़ी रख के, थोड़ा सा घी रख के, चूंटिया घी, और फिर खाते थे उसका, तो मजा ही अलग आता था। पहले मैं रोटी छोटी छोटी बना करती, अब मैं पूरी रोटी बनाने लगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलो पहले खाना खा लेता हूँ। मैं सुबह से वहां गया हुआ था धीरजपुरा, आपने बताया था ना, मतलब मुकान जिसको बोलते हैं, वहां गए हुए थे। तो वहां से आके फिर आते ही सीधा नहाना धोना करके, और फिर मैंने सोचा फोन उठाता हूँ। बालों में तेल नहीं डाला है अभी, एकदम सूखे सूखे हैं, तेल डालने के बाद में सही होएंगे, ठीक है? तो भाई एक सुमित्रा जी का कमेंट आया था कि शर्मा जी जिस तरीके से जितना प्यारा ये फूल है उसी तरीके से आपका जीवन मुस्कुराता रहे, और ये फूल शायद दीपावली तक नहीं निभा पाएंगे हमारा साथ, पहले ही ये शायद वो हो जाएंगे, निभाएंगे अवश्य निभाएंगे। लड्डूड़ा उठ गया है लड्डू, और हमारे यहाँ पे जी आज बहुत दिनों में चाय बन रही है सच में। ये देखा, कम से कम नवरात्रे में रेनू ने बनाई थी, मतलब सुबह सुबह उठते ही ये पीती थी, जब भी मतलब वो करती थी कुछ भी, बाकी मैं तो उस टाइम पीता भी नहीं था। उसके बाद में आज चाय बनी है, आज देखते हैं भाई कैसे कैसी क्या चाय बनाते हो। ये तलो की हो, वैसे सेक ही लेता मेरे तो। एक काम करिए आप, तो सेक दिए बाद में, ठीक है? डुबो के तो निकालना। तो जी चाय और बिस्किट का सायंकालीन नाश्ता हो गया, बहुत दिनों बाद में चाय पी तो चाय का मजा आया अलग से टेस्ट का। और सबसे मेन खबर आज की यही है, ताज़ा लेटेस्ट, कि शर्मा जी प्रेग्नेंट हैं। किस लिए? कि कल जो फोटो लगाई थी ना मैंने, उसमें हकीकत में यार ऐसे पेट दिख रहा है, उसके बाद में तो और भी ज़्यादा आया था। वो तो स्टार्टिंग हम गए थे वहाँ पे रुद्रपुर में, उस टाइम की बात है, उसके बाद तो 2-3 साल तक और भी पेट था। उसके बाद में यहाँ अब भी आकर के कम हुआ है, नहीं तो ऐसे ही था। तो कमेंट आया हुआ था, बोले शर्मा जी उस फोटो में को देखते हुए लगता है कि आप शर्मा जी प्रेग्नेंट हैं। तो भाई सही बात है, एकदम डिलीवर हो चुका था लेकिन हम उसको लेकर नहीं आए अपने साथ।
उधर ही छोड़ के आ गई रुद्रपुर में। तो चलो आज का व्लॉग कर देते हैं यहीं पे पूरा। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक सबको बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वाह जी वाह, क्या बात कही आज। ठीक है जी।